गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, कैन यू हियर मी? यू कैन स्टार्ट प्लीज, रिप्लाई द क्वेश्चन बॉक्स। आवाज आ रही है? मिस्टर वरुण सोनी, मिस्टर धीरज, आवाज आ रही है? प्लीज रिप्लाई। सो जस्ट वेट 1 मिनट। निफ्टी नीचे में जाके आ रहा है, 18,160 तक जाके आ। अगर आपने कॉल किया तो आप कॉल सेल किया तो प्रॉफिट आ रहा होगा, येस और नो प्लीज रिप्लाई। कॉल सेल किया तो प्रॉफिट आ रहा होगा, यस। डेली चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मिस्टर एम, मिस्टर दिव्य निवार, डेली चार्ट आपको दिख रहा होगा, सेल क्रॉसओवर दिख रहा है, यस। लाइव एमटीएम दिख रहा है, बस अभी नहीं मार, लाइव एमटीएम दिख रहा है, लाइव एमटीएम दिख रहा है। मिस्टर आदित्य, मिस्टर वरुण सोनी, आई होप आपको लाइव एमटीएम भी दिख रहा होगा, यस। आपके सामने ही अभी बुक करूंगा मैं, आपके सामने ही प्रॉफिट बुक करूंगा, थोड़ा सा वेट कर रहा हूं मैं, आपके सामने ही प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है लेकिन 17,900 आ सकता है, कल नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, ये थर्सडे तक लग रहा मुझे, सदी बार थर्सडे तक लग रहा है, कल नहीं लग रहा मुझे, थर्सडे तक लग रहा है, ये थर्सडे तक लग रहा है। सेल क्रॉसओवर आ चुका है डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे सेल क्रॉसओवर आ चुका है, दिख रहा होगा आपको, तो मुझे थर्सडे तक लग रहा है, कल नहीं लग रहा। मंथली एक्सपायरी है ना थर्सडे को, तो उसमें फॉल कर सकता है बड़ा, यस। थर्सडे तक धीरे धीरे लग रहा है कि 18,000 के नीचे भी एक बार आएगा ये, स्लोली एंड अभी आज गैप डाउन हुआ, करेक्ट, और लोअर लेवल पे प्राइसेस सस्टेन कर रहा है, यस और नो? इज इट अ साइन ऑफ वीकनेस? प्लीज रिप्लाई, इज इट अ साइन ऑफ वीकनेस? मिस्टर आदित्य, मिस्टर वरुण सोनी, इज इट अ साइन ऑफ वीकनेस? प्राइजेस आर सस्टेनिंग एट लोअर लेवल्स, गैप डाउन होने के बाद सेलिंग आया और डे लो पे सस्टेन कर रहा है प्राइस, ठीक है। इसको ऊपर जाना होता तो मॉर्निंग में ही गैप डाउन करके फिर वापस खींच लेता, लेकिन ये सस्टेन कर रहा है, लोअर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, सस्टेन कर रहा है मतलब नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। देखो अभी डे लो पे आ चुका है, देखो दिख रहा होगा, करेक्ट। सेलिंग में ही ध्यान देना है, कॉल सेल की तरफ ही ध्यान देना है ज्यादा, कॉल सेल की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। इसको मैं अभी पूरा स्क्वायर ऑफ करने वाला हूँ, स्क्वायर ऑफ ऑल कर दूंगा इसको, यस, आपके सामने ही प्रॉफिट बुक करूंगा, स्क्वायर ऑफ ऑल कर दूंगा। थोड़ा सा वेट कर रहा हूं मैं, वरना आपके सामने अभी प्रॉफिट बुक करूंगा, ट्रेड के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं मेरे हिसाब से, ट्रेड के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। नहीं मुझे ऊपर नहीं लग रहा है, निफ्टी ऊपर नहीं लग रहा है, कॉल सेलिंग ज्यादा है। niftytrader.in वेबसाइट ओपन किया है क्या सबने? niftytrader.in वेबसाइट ओपन किया हुआ है सबने? ओपन करो, निफ्टी के इस पे जाओ, चेंज इन ओए पे जाओ, कॉल सेलिंग ज्यादा दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। 18,200 में आपको बुर्ज खलीफा दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। ये मैंने सुबह भी दिखाया था, सबको याद है, ये मैंने बार सुबह भी दिखाया था, मिस्टर दिव्य निवार, अगर आपको याद है ये वाला बार मैंने सुबह भी दिखाया था,
1800 पे, बुर्ज खलीफा, करेक्ट। यस, आज लर्निंग वेबिनार है 7 बजे, आपको वेबिनार का लिंक मार्केट बंद होने के बाद मिल जाएगा, 7 to 7:40 तक रहेगा। यस 7 बजे आज। थोड़ा सा मार्केट साइडवेज है आज, रेंज बाउंड है, अटक गया, गैप डाउन होने के बाद अटक गया जी। गैप डाउन होने के बाद ना अटक गया मार्केट, बैंक निफ्टी भी माइनस है, निफ्टी भी माइनस है, फिन निफ्टी भी माइनस है, सब माइनस है, निफ्टी ज्यादा वीक है। आपके सामने अभी प्रॉफिट बुक करूंगा मैं। आपके सामने प्रॉफिट बुक करूंगा अभी, यस 245 तक, 250 तक आपके सामने करूंगा। तब तक एक काम करते हैं, निफ्टी ट्रेडर वेबसाइट देखते हैं, ये तो कॉल सेलिंग ही हो रहा है यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में ज्यादा क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में स्ट्रैडल सेल हुआ है आज, 42,300 का ज्यादा स्ट्रैडल बिका है, मतलब बैंक निफ्टी में ज्यादा फॉल नहीं लग रहा है, बैंक निफ्टी में ज्यादा फॉल नहीं लग रहा है, निफ्टी में ज्यादा फॉल लग रहा है, बैंक निफ्टी में ज्यादा फॉल नहीं है, निफ्टी में फॉल लग रहा है बिकॉज कॉल राइटिंग एग्रेसिव है। बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी लिया है हम लोगों ने, ऑप्शंस राइटिंग का कुछ ट्रेड लेके जाएंगे, लेकिन वो भी देखते हैं, अगर गैप अप गैप डाउन लग रहा है तो नहीं लेंगे, ऐसा है तो थोड़ा सा वेट करके ही ट्रेड लेंगे आज। बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड लग रहा है, 42,300, 42,200, ये 200-300 पॉइंट के रेंज में रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी और निफ्टी, फिन निफ्टी दोनों साइडवेज है। थीटा डीके नहीं हो रहा है, इंडिया विक्स कितना है जरा देख लेते हैं एक बार, इंडिया विक्स कितना है, इसको 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। बड़ा कैंडल बना उसके बाद साइडवेज हो गया मार्केट, बड़ा फॉल आया नहीं। इंडिया विक्स कितना है, इंडिया विक्स 15 के ऊपर है, ठीक है, इंडिया विक्स 15 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इंडिया विक्स 15 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, निफ्टी डे लो पे है ना, यस निफ्टी डे लो पे है। मुझे लग रहा था आज 300 पॉइंट भी डाउन हो सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से गैप डाउन हुआ ना, फॉलो थ्रू सेलिंग आया नहीं, फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आया, लेकिन लोअर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, तो लोअर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, इटसेल्फ इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस, सेलिंग की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। यस, मेरा थीटा डीके वाला थोड़ा पोजीशन है, थीटा डीके वाला थोड़ा पोजीशन है मेरा, फिन निफ्टी में ज्यादा पोजीशन लिया मैंने, फिन निफ्टी का मेरा पोर्शन से ज्यादा।
यस डेटा को देख के, यस डेटा को देख के फिर निफ्टी में पोजीशंस लिया हो। निफ्टी तो मुझे फॉल ही लग रहा है, बट आवरली चार्ट पे एक बार देखते हैं जरा। देखो इवनिंग स्टार बना है, थोड़ा सा साइडवेज हो गया, गैप सपोर्ट है एक्चुअली। ये मैं एक बार रिमूव करता हूँ आपको, यहाँ पे गैप सपोर्ट समझाता हूँ। देखो कैन यू सी अ गैप सपोर्ट, प्लीज रिप्लाई। ये गैप सपोर्ट दिख रहा है क्या? गैप के अंदर है, दिख रहा है सर वरुण सोनी? तो ये गैप सपोर्ट है एक्चुअली। यहाँ पे अगर ये गैप ब्रेक करके फिर और फॉल चालू हुआ तो फिर मार्केट 17600 तक, मैंने याद है ब्रॉडर टारगेट दिया है, फिर ये गैप फिल करके फिर नीचे वापस चालू हुआ ना तो 17600 भी आ सकता है। मिस्टर देवे ने बार याद है ना, ये मैंने गैप बताया था राइट, 18100 मैंने टारगेट दिया था, कितने लोगों को याद है? करेक्ट। तो वो गैप सपोर्ट है, गैप सपोर्ट अगर ब्रेक किया तो फिर और जाएगा, तो फिर 17900 थर्सडे तक और उसके बाद 17600, ऐसा है, ऐसा टारगेट बन सकता है। फ्रेश ट्रेड नहीं लेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। ऑप्शंस राइटिंग कैरी फॉरवर्ड लेके जाएंगे, वो भी हम लोग लेके जाएंगे बैंक निफ्टी में, निफ्टी में नहीं बैंक निफ्टी में ऑप्शंस राइटिंग ट्रेड। अभी कर लेते ना, एक काम करते हैं, अभी करते हैं। मैसेज कर रहा हूँ, वेट ऑन ऑप्शंस राइटिंग का। अरे स्ट्रैटेजी में भी प्रॉब्लम होगा ना, स्ट्रैटेजी का स्ट्राइक प्राइस मिसमैच होगा बैंक निफ्टी में। ठीक है ठीक है ठीक है, बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी का स्ट्राइक प्राइस मिसमैच होगा ना। ठीक है मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रैटेजी वाला स्ट्राइक प्राइस नहीं दे रहा मैं, ठीक है अलग स्ट्राइक प्राइस दे रहा हूँ। ट्रेड ले लो, ये कैरी ऑप्शंस राइटिंग ट्रेड ले लो ये। यस दो दो लॉट, तीन तीन लॉट जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो लॉट तीन लॉट जो करना है करो। दिया देखो मैसेज मिला, प्लीज रिप्लाई कर लो, ये कैरी ऑप्शंस राइटिंग ट्रेड है, कल सुबह स्क्वेयर ऑफ करेंगे इसको, ट्रेड ले लो, कल सुबह स्क्वेयर ऑफ करेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज लग रहा है, निफ्टी बेरिश लग रहा है, ऐसा है ये व्यू है, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी दिया है, स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी हो, यस स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी दिया है, जो मैंने ट्रेड दिया ना दैट इज कॉल्ड स्ट्रैंगल। थीटा डीके हो नहीं रहा है अभी, थीटा डीके नहीं हो रहा है। फिर निफ्टी का चार्ट देखते हैं जरा, फिर निफ्टी में वॉल्यूम भी कम है एक्चुअली।
वॉल्यूम भी कम है फिर निफ्टी में, आवरली चार्ट देखे। अच्छा ये गैप थोड़ा ये हो सकता है, ठीक है, वॉल्यूम भी कम है फिर निफ्टी में। एकदम से स्पाइक हुआ, अच्छा एकदम से स्पाइक हुआ इसीलिए, ठीक है। एकदम से स्पाइक हुआ, ठीक है, होगा तो मैं कैरी करूंगा, और कुछ नहीं। निफ्टी डे लो आया ना, निफ्टी एकदम डे लो आया, निफ्टी जोर से डे लो आया एकदम। नाइन ट्वेंटी सेवन 18140, क्या प्रीमियम स्पाइक हुआ एकदम, देखा यहाँ पे सीधा 20 आ गया था, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, एकदम जोर से प्रीमियम स्पाइक अप हुआ। बहुत वॉलेटाइल है प्रीमियम, बहुत स्पाइक अप हो रहा है। 946 नाउ, क्या बात है। निफ्टी खींचा जोर से, निफ्टी खींचा, इसको क्लोज करते हैं, निफ्टी पे ध्यान देते हैं। निफ्टी आई थिंक थोड़ा खींचा जोर से, ये गैप सपोर्ट से थोड़ा बाउंस किया है निफ्टी। 5 मिनट का चार्ट देखें तो थोड़ा बाउंस किया है निफ्टी। यस ये देखो, 5 मिनट का चार्ट देखें तो थोड़ा बाउंस किया है निफ्टी ने। इसको हम लोग 9 EMA कर लेते हैं। थोड़ा बाउंस किया है। 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, VWAP लगा देते हैं, ठीक है, 198। बैंक निफ्टी भी थोड़ा बाउंस किया, बैंक निफ्टी भी थोड़ा बाउंस किया। निफ्टी थोड़ा बाउंस किया, बैंक निफ्टी भी थोड़ा बाउंस किया। हाँ बैंक निफ्टी का ट्रेड ले लिया ना ऑप्शंस राइटिंग का, प्लीज कंफर्म। बैंक निफ्टी में ऑप्शंस राइटिंग ट्रेड ले लिया ना सबने, प्लीज कंफर्म। कैरी ऑप्शंस राइटिंग ट्रेड, और बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी भी ओपन है, प्लीज कंफर्म। स्ट्रैटेजी भी ओपन है, कैरी फॉर कैरी ऑप्शंस राइटिंग भी ट्रेड भी ले लिया है, दोनों किया हुआ, राइट? ठीक है, ठीक है। ठीक आई थिंक इंडिया विक्स थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रीमियम स्पाइक हो रहा है। प्रीमियम तो स्पाइक हो रहा है, दैट इज श्योर, प्रीमियम स्पाइक तो हो रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो ना, प्रीमियम तो थोड़ा स्पाइक अप हो रहा है, इंडिया विक्स तो नीचे गया है, तो प्रीमियम कैसे स्पाइक अप हो रहा है? जस्ट वेट, 5 मिनट में तो इंडिया विक्स गिरा है। अच्छा ये देखो, अभी प्रीमियम सेटल डाउन हो रहा है, प्रीमियम सेटल डाउन हो रहा है, वो एक कैंडल में ना थोड़ा सा स्पाइक हुआ था शायद,
निफ्टी यहाँ पे भी क्लोज हो रहा है तो भी 18,100 एंड 17,900, 17,900 ये टारगेट रहेगा, इसी लेवल के आसपास क्लोज हो रहा है तो भी व्यू बेरिश है। ठीक है, व्यू निफ्टी में तो बेरिश है, बैंक निफ्टी साइडवेज है, निफ्टी में व्यू बेरिश है। देखो सस्टेन नहीं किया, देखो यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी का, सस्टेन नहीं किया, देखो बाउंस किया अभी, सस्टेन नहीं किया। अभी आपके सामने मैंने वीवैप ऐड किया, देखो ग्रीन कैंडल बनाया फिर तुरंत रेड कैंडल बनाया, दिख रहा है ये, देखो यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, देखो ये सस्टेन करने के चांसेस कम है इसके। सस्टेन करने के चांसेस थोड़े कम है। यस, निफ्टी सस्टेन नहीं कर रहा है, देखते हैं एक और देखते हैं, अभी थोड़ा सा स्पाइक और ट्राई कर रही है। 18,200 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा है, कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा है 18,200 के आसपास। डेली पे देखते हैं, डेली पे क्रॉसओवर मेंटेन रहना चाहिए, ये क्रॉसओवर जो है ना ये मेंटेन रहना चाहिए डेली पे। क्रॉसओवर मेंटेन रहेगा तो फिर नीचे जाएगा ऐसा। निफ्टी देखते हैं, निफ्टी ही देखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, निफ्टी ही देखते हैं। हम कैंडल तो सस्टेन नहीं किया है, क्या कैंडल बन रहा है यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे, तो ये वीवैप और मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। ये वीवैप है ब्लैक कलर का लाइन, ये मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर सस्टेन किया नहीं है, देखो स्पाइक हाई बनाया फिर वापस आ गया नीचे, सस्टेन तो नहीं कर रहा ये। बैंक निफ्टी का डेटा साइडवेज है, ये देखो बैंक निफ्टी में तो स्ट्रैडल सेल हुआ है, निफ्टी में कॉल राइटिंग है, नेकेड कॉल राइटिंग है, 18,300 में है, 18,200 में, निफ्टी में कॉल राइटिंग है, नेकेड कॉल राइटिंग है, निफ्टी सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, निफ्टी नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, निफ्टी सस्टेन करना मुश्किल है। नहीं कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा आज कुछ क्लोजिंग में मूवमेंट आएगा, मुझे नहीं लग रहा आज क्लोजिंग में कुछ मूवमेंट आएगा, आज कंप्लीट साइडवेज मार्केट कर दिया इन लोगों ने, पहला कैंडल जो बनाया ना उसके बाद पूरा साइडवेज कर दिया इन लोगों ने, पहला रेड कैंडल बनाया दिखाया कि मूवमेंट आएगा एंड पूरा साइडवेज किया। Gracias.
बोरिंग मार्केट हो गया। गैप डाउन के लिए इसको निफ्टी को स्पॉट लेवल 18140, ये 140 के नीचे क्लोज होना पड़ेगा स्पॉट लेवल गैप डाउन होने के लिए। 16 पॉइंट नीचे होना चाहिए निफ्टी स्पॉट, तो गैप डाउन होने के चांसेस रहेंगे। ऐसा है स्पॉट लेवल, यस 18140, इफ इट इज क्लोजिंग बिलो दैट गैप डाउन इज पॉसिबल। सत्रह पॉइंट नीचे जाएगा तो गैप डाउन हो जाएगा निफ्टी स्पॉट। 17 पॉइंट नीचे अगर और गया तो गैप डाउन पक्का होने के चांस रहेंगे। उधर का उधर ही भाव रह गया अभी, वो लेवल नीचे का लेवल भी ब्रेक नहीं कर रहा है, ऊपर का लेवल भी ब्रेक नहीं कर रहा है। ये देखो ना, नीचे का लेवल ब्रेक कर रहा है ना ऊपर का लेवल ब्रेक कर रहा है। फंस गया मार्केट। एटीन वन फोर्टी ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा और 18190 ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, दोनों ही लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है। तीन बज गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन राइटिंग ट्रेड ले लिया ना, कैरी फॉरवर्ड वाला, बैंक निफ्टी वाला, सबने प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ होगा उसमें, चेक कर लो जरा। हाँ ऑप्शन राइटिंग ट्रेड ले लो खाली, बस ऑप्शन राइटिंग वाला ही मार्केट है ये, ट्रेंड तो कुछ है नहीं, ऑप्शंस राइटिंग वाला ही मार्केट है। ऑप्शन राइटिंग में क्या सेम स्ट्राइक प्राइस लिया है ना आपने? हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। कितना लॉट किया है? जस्ट टेल मी, कितना लॉट किया आपने? हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, बेस्ट है। ये देखो आपके सामने मैंने कर लिया, दिखा आपके सामने, प्लीज रिप्लाई। मिस्टर कीर्ति दोषी, मिस्टर आदित्य, दिखा आपके सामने बुक कर लिया मैंने। यस यस, देखो ना स्पॉट लेवल, देखो स्पॉट लेवल पे ध्यान दो, 1140 अगर क्लोज हो रहा है ना तो गैप डाउन होगा। 18140 अगर क्लोज हो रहा है तो गैप डाउन होगा।
लोअर लेवल पे ही क्लोज हो रहा है, 3:15 3 बजे के बाद भी लोअर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, नीचे जाने के चांसेस ज्यादा होंगे उसमें। नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। डन हो गया। हर बार इसमें इस टाइम मार्केट रिकवर करता है, नेक्स्ट डे गैप डाउन होता है। नहीं मिस्टर देवेनवर, मुझे नहीं लग रहा गैप डाउन, मुझे रिकवर नहीं लग रहा। अगर आप देखो ना यहाँ पे मिस्टर देवेनवर, 2 दिन से आप देख रहे हो सिर्फ कॉल राइटिंग आपको दिख रहा है, यस और नो मिस्टर देवेनवर? 2 दिन से, फ्राइडे को भी हम लोग ने स्क्रीन देखा था निफ्टी का चेंज इन वाइज स्क्रीन, फ्राइडे को भी कॉल राइटिंग ही था, यस और नो? सिर्फ कॉल राइटर्स थे, याद है 18300 18400 पे थे कॉल राइटर्स, 18300 18400 पे थे कॉल राइटर्स, याद है? आज 18200 18300 पे, और पुट्स में कोई बड़ा पोजीशन नहीं है, दिख रहा है? पुट्स में कोई बड़ा पोजीशन नहीं है, कॉल राइटिंग खुलेआम है, नेकेड कॉल राइटिंग है। मार्केट का सस्टेन होना बहुत मुश्किल है, जब तक ये डेटा चेंज नहीं होगा ना तब तक मार्केट रिकवर नहीं होगा, ऐसा है। मार्केट रिकवर करने के लिए पहले ये डेटा चेंज होगा। आई होप इतना सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा है। ये देखो ना, सस्टेन नहीं कर रहा है, नहीं करेगा निफ्टी सस्टेन करने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे। व्हेन मार्केट हैव कॉल राइटिंग डज इट मीन इट कंट्रोल्स ऑफ बेयर्स? इट मींस इट मे फॉल और इट मे रिमेन साइडवेज, ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। मिस्टर कीर्ति दोषी, कॉल राइटिंग एग्रेसिव है मतलब अपसाइड इज कैप्ड, अपसाइड इज कैप्ड, यस। आप सिर्फ है ना ये निफ्टी ये वाला स्क्रीन देख के अगर आप सिर्फ कॉल सेलिंग करोगे ना तो भी आपको प्रॉफिट आएगा। मिस्टर दिवेनवर, मिस्टर कीर्ति दोषी, ये देखो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने कॉल सेल किया हुआ है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने कॉल सेल किया हुआ है। ये जो बड़े बार्स आपको दिख रहे हैं ना, इसको देख के आप उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में सेलिंग करोगे तो भी आपको प्रॉफिट आएगा, करेक्ट? बट मुझे मार्केट ट्रेंडेड लग रहा है, बड़ा ट्रेंड आएगा वेनेसडे को, वेनेसडे को पक्का बड़ा ट्रेंड आएगा और थर्सडे तक चलेगा वो, बिकॉज मंथली एक्सपायरी है एंड आपको सबको पता है मंथली एक्सपायरी में ट्रेंड आता है, यस और नो? सबको पता है मंथली एक्सपायरी में ट्रेंड आता है, यस और नो? प्लीज रिप्लाई।
बी रेडी फॉर ट्रेंड, ट्रेंड के लिए रेडी रहना। मोस्ट लाइकली नीचे की तरफ आएगा, जो कि मुझे लग रहा है 17,900 तक निफ्टी आ सकता है थर्सडे तक, 17,900 ये लग रहा है मुझे। ठीक है, 150 रुपया पर लॉट, वाओ। ऐसा कौन सा ब्रोकर है जो 150 रुपीज पर लॉट चार्ज कर रहा है ऑप्शंस में? ऐसा कोई ब्रोकर है 150 रुपीज पर लॉट चार्ज कर रहा है? आई थिंक कोई ब्रोकर है ऐसा। हाँ, एक स्टूडेंट ने भी मुझे मैसेज किया, इस ब्रोकर इज चार्जिंग 150 रुपीज पर लॉट इन ऑप्शंस, 150 पर लॉट इन ऑप्शंस। डोंट यू थिंक दैट इज वेरी हाई ब्रोकरेज? वेरी हाई ब्रोकरेज, बहुत ज्यादा हाई ब्रोकरेज हुआ ना। कल ट्रेड लेंगे फ्रेश एनालिसिस, लेकिन कल से आई थिंक मुझे लग रहा है ट्रेंड आ जाएगा, बिकॉज वेनेसडे थर्सडे मंथली एक्सपायरी में मूवमेंट आना ही आना है, ऐसा है, ट्रेंड पकड़ना ही पकड़ना है, वेनेसडे तक आएगा ही आएगा ट्रेंड, ट्रेंड आएगा ही आएगा, ट्रेंड के लिए रेडी रहना। अभी हो गया, मुझे लग रहा है साइडवेज मार्केट हो गया, बस अब ट्रेंड के लिए रेडी रहना, देर विल बी ट्रेंड, दैट इज श्योर। हाँ, निफ्टी क्लोज नहीं हुआ है, नीचे के लेवल पे क्लोज नहीं हो रहा है निफ्टी, नीचे के लेवल पे क्लोज नहीं हुआ निफ्टी। फिन निफ्टी भी कल गैप अप गैप डाउन हो सकता है, फिन निफ्टी भी डेंजरस क्लोज हो रहा है। फिन निफ्टी का ना अगर चार्ट एनालिसिस करें ना, तो 18,700 टारगेट आ रहा है फिन निफ्टी का, 18,700 ये लेवल आएगा फिन निफ्टी में, 18,700 ये मूविंग एवरेज टच करने आएगा, ये 18,700 तक आएगा फिन निफ्टी, या फिन निफ्टी भी तो थोड़ा ध्यान देना, फिन निफ्टी पे कितना नीचे लग रहा है फिन निफ्टी भी। यस, कल फिन निफ्टी में यस ट्रेड करेंगे, डेफिनेटली ट्रेड करेंगे फिन निफ्टी में, पोजीशंस बनाएंगे। यस, ये
मधुर बोल रहा था, करता रहो करता रहो। ठीक है ठीक है, कल सुबह मिलते हैं मॉर्निंग वेबिनार में, एंड व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना, कोई भी फर्दर ट्रेड रहेगा आई विल अपडेट यू ऑन व्हाट्सएप। यस, बैंक निफ्टी का कैरी ऑप्शंस करना है। यस, कल मुझे बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं लग रहा है, लेकिन ये ट्रेंड पकड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली कल आफ्टरनून या फिर वेनेसडे से, एंड दैट विल बी अ ट्रेंडेड मार्केट फॉर वेनेसडे एंड थर्सडे बिकॉज मंथली एक्सपायरी है इसीलिए। सो ट्रेंड तो पकड़ेगा ये डेफिनेटली है, मोस्ट प्रोबेबली कल आफ्टरनून से या फिर वेनेसडे से। यस, वी विल फॉलो द ट्रेंड, करेक्ट, हम लोग ट्रेंड के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना, कोई भी फर्दर ट्रेड है आई विल अपडेट यू ऑन व्हाट्सएप। कल फिन निफ्टी में ऑप्शंस राइटिंग करना है, कितने लोगों को करना है, कितने लोगों को करना है प्लीज रिप्लाई, फिन निफ्टी में करना है ऑप्शंस राइटिंग। करना है, ठीक है, तो आई विल प्रोवाइड यू द ट्रेड, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा ऑप्शंस राइटिंग में, ऑप्शंस राइटिंग में थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके, हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं।